ज्यादा आमदनी पर भी आयकर न देने वाले या नाम मात्र का टैक्स चुकाने वालों पर आयकर विभाग का पहरा और सख्त होता जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने नियोक्ताओं से ज्यादा जानकारी मांगी है, जिसके बाद अब नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले फॉर्म 16 का आकार बढ़ा दिया गया है। नए फॉर्म में पार्ट बी का हिस्सा अब 2 पन्ने की बजाय 5 पन्नों का होगा। इसमें वित्त वर्ष के दौरान किसी संस्थान से दूसरे संस्थान में आने वाले कर्मचारियों का पूर्व संस्थान से प्राप्त कुल वेतन का भी कॉलम जोड़ा गया है। आयकर विभाग ने फॉर्म 16 के फॉर्मेट में बदलाव किया है, जिसके बाद नियुक्त करने वाली कंपनी को अब कर्मचारी के बारे में आयकर विभाग को ज्यादा जानकारियां देनी होंगी। कर्मचारी की प्रॉपर्टी से हुई कमाई, उसे दूसरे नियोक्ताओं की ओर से मिले भुगतान की डिटेल अब फॉर्म 16 में दी जाएंगी। इससे आयकर विभाग को टैक्स चोरी की जांच में मदद मिलेगी। नए फॉर्म 16 में अलग अलग टैक्स सेविंग्स स्कीम के तहत किए गए निवेश, उससे जुड़ी कटौतियां, कर्मचारी को मिले अलग अलग भत्तों और दूसरे सोर्सेस से हुई आय का ब्योरा भी शामिल होगा। विशेषज्ञों की माने तो रिटर्न फाइलिंग को बेहतर बनाने के लिए फॉर्म 16 में बदलाव किया गया है। बदलाव में जिन अलाउंसेस पर टैक्स छूट मिलती है वो मिलती रहेगी, लेकिन नियोक्ता को सभी मदों में की जाने वाली कटौती का पूरा ब्योरा फॉर्म 16 में देना होगा। आइए अब आपको बताते हैं किन किन अलाउंसेस पर टैक्स में छूट मिलती रहेगी। डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। नियुक्त करने वाली कंपनी आयकर विभाग को जो फॉर्म देगी, इसमें अब उन गैर संस्थागत इकाइयों का पैन नंबर भी बताना होगा जहां से कर्मचारी ने घर खरीदने या बनाने के लिए लोन लिया है। इनकम टैक्स विभाग वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर चुका है। वित्त मंत्रालय की तरफ से फॉर्म 16 में बदलाव की अधिसूचना 12 मई 2019 से लागू होगी। ऐसे में साल 2018-19 के लिए किसी कर्मचारी को नियुक्त करने वाली कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला फॉर्म 16 नए बदलाव के साथ आएगा। आपको बता दें कि फॉर्म 16 में कर्मचारियों के TDS का ब्यौरा होता है। इसे जून के मध्य में जारी किया जाता है। इसका उपयोग आयकर रिटर्न भरने में होता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।